इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। किसी जमाने में प्रदेश की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली उमा भारती अपने राजनीतिक पुनर्वास को लेकर चिंतित हैं। अपने स्तर पर वो बहुत सारा प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनका राजनीतिक पुनर्वास करना नहीं चाहता। उमा भारती राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए जानी जाती हैं। उमा भारती के जब से राजनीतिक दुर्दिन शुरू हुए तब से वे प्रदेश में कोई न कोई मुद्दा तलाश कर सरकार के ऊपर हमला करती रहती हैं। पहले उन्होंने शराब की दुकानों को मुद्दा बनाया, शराब की दुकानों पर पत्थर चलाया, लेकिन उनसे किसी ने यह नहीं कहा कि आपको भविष्य में कोई बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती के शराबबंदी अभियान का अहाते बंद करके फुग्गा फोड़ दिया। अब उमा भारती मुद्दा विहीन है। हाल ताल में विदिशा की एक खबर अखबार में छपी कि विदिशा हॉस्पिटल में बर्न यूनिट में एसी नहीं लगा हुआ है। मुद्दा विहीन उमा भारती को मुद्दा मिल गया। उन्होंने ट्विटर में लिखा कि हमारी सभा में करोड़ों खर्च हो रहे हैं और हॉस्पिटल की वर्न यूनिट में एसी नहीं लगे हैं, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में गरीब तड़प रहे हैं। कितनी पीड़ा है उमा भारती के मन में गरीबों को लेकर के। शायद ये पीड़ा अगर उनने पहले जताई होती गरीबों के प्रति तो उन्हें इस तरीके से राजनीतिक दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। उमा भारती यही नहीं रुकती, उन्होंने यह भी लिखा कि निजी अस्पतालों और विदिशा जैसे सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर मानव जाति के साथ बहुत बड़ा अपराध है। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों सरकारी अधिकारियों से अपील किया कि आप लोग अपना इलाज किसी इमरजेंसी के अलावा सरकारी अस्पताल में ही कराएं। उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उमा भारती केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, लेकिन जब तक उमा भारती प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं और जब तक केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहीं तब तक उन्हें न देश के गरीब ध्यान में आए और न प्रदेश के गरीब ध्यान में आए। ऐसा नहीं है कि उमा भारती प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए और देश का केंद्रीय मंत्री रहते हुए कभी किसी अस्पताल में नहीं गई होंगी या कभी किसी अस्पताल की खबर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उनका दिल न अस्पताल के लिए पसीजा और न ही गरीबों के लिए। आज उमा भारती के पास न तो सरकार में कोई दायित्व है और न संगठन में, इसलिए उन्हें गरीब भी याद आ रहे हैं और इसीलिए उन्हें अस्पताल की अव्यवस्थाएँ भी याद आ रही हैं। यदि मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए देश के गरीबों का ध्यान आया होता और देश की अस्पतालों की अव्यवस्था को मुद्दा बनाया होता तो शायद उमा भारती को यह दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।